आइए दोस्तों, आपको मैं सिखाता हूँ अपार्टमेंट का वायरिंग कैसे करते हैं। अभी देखो, स्लैब में पाइप कैसे लगाते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो पाइप नज़र आ रहे हैं, ये सोलह पाइप जो नज़र आ रहे हैं, ऊपर स्लैब के लिए रखा गया है। ये जो बीम में चार पाइप नज़र आ रहे हैं ना, ये इनकमिंग मेंस है। पैनल बोर्ड से जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है मीटर का, उसका पाइप है ये। ये देख लीजिए, सीधा ये सीधा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास लेके जाते हैं इसको। ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यहाँ पर देखिए, चार पाइप है इधर। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये जो आया पाइप मीटर से डायरेक्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आ गया। यहाँ से हर एक रूम का सर्किट अलग अलग से दिया गया है। उस रूम का सर्किट दिया गया हुआ है, और ये इस रूम में मास्टर बेडरूम में गया हुआ है, ये डाइनिंग हॉल में गया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से सीधा निकल के बीम से बेडरूम में आ गया। देखिए, ये जो बेडरूम नज़र आ रहा है आपको, फोर वे बॉक्स, चारों तरफ चार ड्रॉप उतार दिया है इसको। और ये जो फोर वे जंक्शन बॉक्स लगाया है, ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आया हुआ पाइप है, और इसको सीधा सीधा आपको उस बेडरूम में थ्री वे बॉक्स लगा के लेके गए, ताकि मेंस वहाँ से यहाँ पर आ जाए, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में पहुँच जाए, क्योंकि वायरिंग करने में आसानी हो जाएगी आपको। ये जो फोर वे बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, इसके पास में मिट्टी जो नज़र आ रही है, फ़ैन हुक है। और यहाँ पर एक आपको बड़ा बॉक्स भी मिलता है, ताकि इसमें साइड से होल्स होते हैं, उसमें भी पाइप लगा सकते हैं इसमें, ताकि वो फ़ैन बॉक्स लगाने से क्या होता है, स्लैब में क्रैक्स आते हैं ज़्यादा, क्रैक आने का लीकेज होने का चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको इस बॉक्स में हम लोग मैनेज करते हैं। ये जो मेंस का पाइप आ गया, जो साइड में लगाते हैं उसको, इसीलिए थ्री वे बॉक्स लगवा के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लेके गए हैं उसको। ये जो वन वे बॉक्स नज़र आ रहा है, बालकनी का पॉइंट है, ये यहाँ पर ड्रॉप आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, बेंड सीधा रखने के बाद छोटा सा टुकड़ा नीचे तक आपको नज़र आ रहा है, मिट्टी भी नज़र आ रहा है वहाँ पर, टुकड़ा लगा लीजिए नीचे। सेंटरिंग का बोर्ड निकालते ही आपको ड्रॉप नज़र आएगा। अगर नज़र भी नहीं आया, तो जो मिट्टी नज़र आ रहा है उसके हिसाब से मारते हैं, क्लीन करेंगे तो उसको वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये देखिए, तीसरा बेडरूम, ये बेडरूम से डायरेक्ट मेंस आपको सीधा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गया है। यहाँ पर फोर वे बॉक्स दिया गया है, इसी तरह से मिट्टी जो नज़र आ रहा है आपको, फैन हुक है, इधर चारों तरफ चार ड्रॉप दे दिया गया है। देखिए, डाइनिंग में ये तीन पाइप रखा गया है, और एक पाइप को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लेके गया है, क्योंकि इधर जो आपको बीम नज़र आ रहा है, इधर दीवार कुछ नहीं आने वाला है, ताकि ये वे खाली है, इसीलिए इसको बिना थ्री वे लगाए वो डायरेक्ट मेंस लेके चले गए। इसको भी देख लीजिए, चारों तरफ चार ड्रॉप आ गए, और जो भी पॉइंट आपको चाहिए ब्रिक वर्क में, आप चिपिंग करके डाल सकते हैं। किचन का पॉइंट है, ये बालकनी का लाइट पॉइंट है, एक लाइट पॉइंट है इधर, क्योंकि किचन में मेन सर्किट आया नहीं है डायरेक्ट। अभी ये जो नज़र आ रहा है हॉल का ड्रॉप, इसमें से अभी नीचे वॉल से चिपिंग करके इसको होल डाल के मिला लेंगे। आपको जो मट्टी नज़र आ रहा है अंदर, इसको क्लीन करने से इसका ड्रॉप जो है आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए, हॉल हॉल में एक फैन पॉइंट इधर आएगा, एक फैन पॉइंट इधर आएगा, बस बाकी जो ड्रॉप्स डाउन हो गए। और ये जो पाइप नज़र आ रहा है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से चिपिंग करते हुए लेके जाएं। ये देखिए, दूसरा और दो मेंस इधर आपको नज़र आ रहे हैं, ये कॉरिडोर में गया हुआ है, सीधा सीधा कॉरिडोर में दो बॉक्स लगाया हुआ है। ये कॉरिडोर लाइट पॉइंट है, और ये जो नज़र आ रहा है पाइप, ये सीधा इस रूम का मेंस है। देखिए, यहाँ पर जो कॉलम के बाजू में यहाँ पर मेन डोर आएगा, डोर ओपन करते ही इसके बैक साइड में जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहेगा आपको, देख लीजिए
यहाँ पर इनकमिंग जो मीटर नीचे से आता है, मीटर का पाइप यहाँ पर आ गया। यहाँ से जो इस बेडरूम से एक मेंस आ गया और एक बेडरूम से मेंस आ गया। और इसको देखिए आगे से वो उधर से भी उस बेडरूम से भी एक मेंस आ गया। आइए देखते हैं, ये हॉल है। हॉल के इस तरफ एक बॉक्स, इधर एक जंक्शन बॉक्स दिया, ये डायरेक्ट डाइनिंग हॉल में जंक्शन मिला दिया, उसको भी चारों तरफ से ड्रॉप कर दिया। अब ये ड्रॉप जाके सीधा वॉल में आएगा, वॉल में चिपिंग करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को लेके जाएंगे। इसमें पावर यहाँ से पहुँच जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, ये भी एक बेडरूम है। इस बेडरूम को सेंटर में हम लोग बॉक्स लगा लिए, फैनों को डाल दिए। ये जंक्शन थ्री वे बॉक्स यहाँ से सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में पहुँच गया। और देखिए इसको, ये जो बेडरूम के सेंटर में नहीं है, ये क्या होता है, बेड का मेजरमेंट करके उसके साइड में लगाया जाता है जंक्शन बॉक्स को, फ़ैन को, ताकि बेड के ऊपर हवा आ सके। किचन, अभी जो मिट्टी नज़र आ रहा था आपको, यही फैन होकर इसी के अंदर मिट्टी यहाँ तक फिल कर देते हैं ताकि आपको आसानी से बाहर आ सके। अगर कंक्रीट में फंस जाएगा तो बाहर नहीं निकलेगा, इसके लिए मिट्टी से क्लोज करके इसको, ये बॉक्स के नीचे भी आपको मिट्टी नज़र आ रहा है, इसको भी नीचे से स्लैब के बाद जब डेकिंग ओपन होता है उसमें आपको ऑटोमेटिकली वो दिखना चालू हो जाता है मिट्टी वगैरह। ये जो मेंस गया हुआ सीधा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, आपको पाइपिंग आसानी से कर लोगे तो बस वायरिंग भी बहुत आसान से हो जाएगा। इस तरीके से पाइप में, स्लैब में अगर पाइप लगा लोगे, ये भी देख लीजिए एक साइड में जो नज़र आ रहा है फैन बॉक्स, ताकि बेडरूम बहुत बड़ा है, जो बेड का पोजिशन इधर होता है, इस साइड में बेड पोजिशन होता है, बेड का पोजिशन देख के आपको 3.5-4 फीट में आपको फ़ैन लगाने से सीधा बेड के ऊपर रहता है। देख लीजिए दो प्लाट कंप्लीट हो चुका है, ये तीसरा प्लाट है। ये देख लीजिए बीम के अंदर से सीधा सीधा जो पाइप नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ पर बाहर आ गया। तो 3-4 पाइप नज़र आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के, और यहाँ से सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपको इस तरह से डाइनिंग हॉल में पहुँच गया। डाइनिंग हॉल का चारों तरफ देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये जंक्शन बॉक्स से सीधा इस बेडरूम में मेंस आ गया। ये जो नज़र आ रहा है आपको, चारों तरफ चार ड्रॉप लगा दिया है, फैन जी तो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। देख लीजिए वो बालकनी पॉइंट है, उस रूम में भी सेम चारों तरफ ड्रॉप दिया गया हुआ है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सीधा सीधा लेके गया है। इस तरह से पाइपिंग करने से आपको आसानी हो जाता है वायरिंग करने के लिए। देखिए दोस्तों, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में।